हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेजी किचन। आज हम लोग बेबी फूड बनाएंगे जो कि है दलिया खिचड़ी, और जो आप अपने बच्चे को 6 महीने के बाद दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत 1-2 चम्मच से ही करें। जब आपका बच्चा इसे अच्छे से डाइजेस्ट करने लगे तब आप इसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दलिया खिचड़ी। दलिया खिचड़ी बनाने के लिए हम एक कुकर में 2 छोटे चम्मच घी ऐड करेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 2 पिंच हींग और 1/2 कप गेहूं की दलिया ऐड करेंगे और दलिया को लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। दलिया को 2 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप मूंग की दाल भी ऐड कर देंगे, और एक बार सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद 1 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर 1/2 कप दलिया और 1/2 कप मूंग की दाल ली है, यानी टोटल 1 कप अनाज लिया है। तो अब हम इसमें 5 कप पानी ऐड करेंगे, मतलब 5 गुना पानी ऐड करेंगे अनाज का। हमने 5 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। हमारे कुकर में 1 सीटी आ गई है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर खिचड़ी को 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब तक कि हमारी खिचड़ी कुक हो रही है, फ्रेंड्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। हमने खिचड़ी को 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है, लेकिन अभी हम कुकर को ओपन नहीं करेंगे। कुकर का प्रेशर अपने से पूरी तरह से ख़त्म होने देंगे। जब प्रेशर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तब हम कुकर को ओपन करेंगे। और बेबी फूड बनाते समय एक बात का और ध्यान दें, जब बेबी को आप शुरुआत में नमक खिलाना शुरू करते हैं तो नमक की मात्रा बिल्कुल हल्की ही रखें, हल्का नमक ही डालें, क्योंकि शुरुआत में बच्चे को हल्का नमक ही पसंद आता है। आप अपने बच्चे को ये खिचड़ी बनाकर ज़रूर खिलाएं, क्योंकि जो गेहूं की दलिया होती है वो बच्चे के वेट गेन में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और मूंग की दाल भी बच्चे को नुकसान बिल्कुल भी नहीं करती है। और जब आप बच्चे को इसे खिलाएं तो ऊपर से 1 छोटा चम्मच घी भी ऐड कर दें, पर घी भी बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये दलिया खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।